व्हाट इज टाइप स्क्रिप्ट वगैरह देखते हैं. देखो फर्स्ट थिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अज्यूम नाउ दिस इज माय रेस्ट एपीआईज. ओके ये मेरा रेस्ट एपीआईज है, पूरा कंट्रोलर है. ठीक है नाउ देर इज अ नीड ऑफ एप्लीकेशन. हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत है. यस वी नीड अ क्लाइंट विच विल कम्युनिकेट विद अवर रेस्ट सर्विसेज. हमारे रेस्ट सर्विसेज के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये चाहिए. अच्छा देर आर डिफरेंट एप्लीकेशन लाइक मोबाइल में एंड्रॉइड iOS सब आएगा. ओके एंड देर इज अ ब्राउजर. ओके सो नाउ द मोबाइल विल होल्ड iOS एंड एंड्रॉइड टाइप. पहले ब्लैकबेरी हुआ करता था, अभी बंद हो गया. ठीक है नोकिया तो सिम भी है ना, अभी वो भी बंद हो गया. अच्छा नाउ ब्राउजर. नाउ इन ब्राउजर देर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजी दैट वी कैन यूज. ओके टू इंटीग्रेट विद द रेस्ट कंट्रोलर, मतलब हमारे जो रेस्ट सर्विसेज है इनको कॉल करने के लिए हमारे पास ब्राउजर में बहुत सारे ऑप्शन है. जैसे कि हमारे पास है पीएचपी, हम पीएचपी यूज कर सकते हैं. नो पीएचपी क्लाइंट साइड भी होता है ना, पीएचपी दोनों तरफ चलता है. यूआई बना सकते हो ना पीएचपी, जिसमें UI बनता है वो आप रख सकते हो. ओके जिसमें HTML का कोड आएगा. यस यस नाउ JSP यू हैव ऑप्शन ऑफ JSP, इवन सर्वलेट भी आप रख सकते हो, लेकिन फिर मतलब नहीं रहा उसका क्योंकि सर्वलेट इज प्योर सर्वर साइड. ओके अच्छा आपके पास JSP, आपके पास है React JS. ओके वी हैव React JS एंड देन वी हैव Node.js. ओके और फिर हमारे पास है एंगुलर जेएस या फिर अभी एंगुलर डीएस. अच्छा देखिए अब पीएचपी अगर कोई बंदा सोचता है कि नो आई विल यूज पीएचपी, सो इसका मतलब वो एक बेवकूफी क्या कर रहा है कि ये डायरेक्टली डेटाबेस से ऑलरेडी कम्युनिकेट कर सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पीएचपी खुद से डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकता है, तो फिर आप अलग से रेस्ट कंट्रोलर क्यों बना रहे हो, इसी में डेटाबेस यूज करो. तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन चला गया. ओके अगर REST APIs आप लिख रहे हो, ओके अज्यूम. अच्छा REST APIs कब लिखते हैं? अब आप बोलते हो ना कि यार मैं वेबसाइट बना रहा हूं. When it comes to website, no one writes the REST controllers, REST APIs. अगर सिर्फ उसको क्या करना है, अगर वेबसाइट बनानी है तो वो REST APIs के लिए कभी नहीं जाएगा. When the person wants to support both browser and the mobile, अब वो क्या करेगा, REST कंट्रोलर बनाएगा ताकि दोनों एपीआई यूज कर ले. सो REST APIs makes your database common. जो REST कंट्रोलर है तुम्हारे वो APIs को कॉमन कर देगा, क्योंकि अननेसेसरीली यहाँ पे भी डेटाबेस एक्सेस करोगे, यहाँ पे भी करोगे, तो ये गलत तरीका है. तो इसीलिए REST कंट्रोलर आपके APIs को क्या कर देता है, कॉमन कर देता है. ओके नाउ PHP इज नॉट एन ऑप्शन. अच्छा क्यों ऑप्शन नहीं है? PHP itself can access the database. ये ऑप्शन चला गया. नाउ जीएसपी इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन, जीएसपी भी आप डेटाबेस एक्सेस कर सकते हो. अच्छा अब बचा एंगुलर टीएस. ठीक है अच्छा उसके पहले हम बाकी डिस्कस करते हैं. नाउ रिएक्ट जीएस, यस दिस इज एन ऑप्शन. रिएक्ट जीएस बहुत बेस्ट ऑप्शन है. ठीक है अगर आप REST कंट्रोलर से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो. ओके बट इफ वी सी रिएक्ट जीएस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसके पास इसका खुद का रेंडरर होता है. रेंडरर का मतलब होता है जो कैनवास पे ड्रॉ करता है. देखो रिमेम्बर यूर ऑल वेब पेजेस आर नथिंग बट अ कैनवास. जो आप वेब पेज बनाते हो कैनवास होता है, आप कैनवास पे राइटिंग करते हो. सो नाउ द प्रॉब्लम इज रिएक्ट जेएस प्रोवाइड्स इट्स ओन रेंडरर एंड यू डोंट हैव द कंट्रोल ऑफ यूआई. आपको सिर्फ दिखाना है कि कैसे यूआई बनेगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने लॉग इन स्क्रीन बना दिया, अब उसका जो भी ड्राइंग है उसको कैसे चेंज करना है, फोकस कब करना है, वो सब REST कंट्रोलर हैंडल करेगा, रिएक्ट जेएस हैंडल करेगा. मतलब यूजर के पास कंट्रोलर है ही नहीं, यूजर के पास कंट्रोल है ही नहीं यूआई का. रिएक्ट जेएस में पूरा कंट्रोल उसके रेंडरर के पास होता है. सो अब ये कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए इसको ज्यादा फॉलो नहीं किया जाता. ओके नाउ कम टू नोड जेएस. अगेन इट इज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि नोड जेएस में यूआई भी बनता है और REST APIs भी ले सकते हैं. यस तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं रहा.
ओके अच्छा तो अब हमारे पास बचा कौन सा एंगुलर टीएल. नाउ व्हाई इट इज मोर पॉपुलर. ये ज्यादा क्यों पॉपुलर है क्योंकि ये एक रैपर है आपके जावास्क्रिप्ट पे. ओके एंड जावास्क्रिप्ट इज कॉमन फॉर ऑल अदर लैंग्वेजेस. यू कैन सी सबके लिए जावास्क्रिप्ट कॉमन. तो अब यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है एंगुलर जेएस एंगुलर जीएस या फिर एंगुलर टीएस. ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है आपको. देखिए स्प्रिंग बूट इटसेल्फ इज अ फ्रेमवर्क. ये खुद एक फ्रेमवर्क है और वैसे ही एंगुलर टीएस आल्सो अ फ्रेमवर्क. ये भी खुद एक फ्रेमवर्क है. अब यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि आपको यहाँ पे स्क्रीन बनाना काफी इजी हो जाएगा एंड नाउ कम्युनिकेशन विद द रेस्ट कंट्रोलर इज वेरी इजी. व्हाई बिकॉज टाइपस्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉट ऑब्जेक्ट बेस्ड. या इट इज नॉट ऑब्जेक्ट बेस्ड. तो ये यहाँ पे एडवांटेज क्या है इजी. ओके यहाँ पे इजी है और दूसरी बात है कि ये सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट. तो अब यहाँ पे एडवांटेज देखो जेएस इज ऑब्जेक्ट बेस्ड मतलब इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है बट टीएस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. यहाँ पे इनहेरिटेंस सपोर्टेड है. इज दिस क्लियर. ओके सो ये आपको क्लियर हो गया कि क्यों हम एंगुलर टीएस को ज्यादा क्यों प्रेफर कर रहे हैं. ओके देखो हमारे पास ये भी बेस्ट ऑप्शन है और ये भी बेस्ट ऑप्शन है लेकिन जब जावा की बात आती है तो लोग इसको ज्यादा फॉलो करते हैं. अगर आप देखोगे फुल स्टैक का ओपनिंग जावा में स्प्रिंग बूट में तो वो लोग ज्यादा करके स्प्रिंग बूट विद एंगुलर टीएस ये ज्यादा फॉलो करते हैं. ओके और ये जो डेटा वहां से आप भेजेंगे जेएसएन के रूप में ये क्या करेगा ये एपीआई को कॉल करेगा जो हम ब्राउजर से करते थे ना अभी एचटीटीपी लोकल वो ये इसको कॉल करेगा डेटा लेगा और रेंडर करेगा मतलब बटन के क्लिक पे. हाँ बटन के क्लिक पे मैं मेरे रेस्ट एपीआई को कॉल करूंगा टीएस एंगुलर टीएस. हाँ एंगुलर टीएस बटन यहाँ पे पूरा स्क्रीन रहेगा मेरा ऑन क्लिक इवेंट पे अपन हमारे रेस्ट एपीआई को कॉल करेंगे पार्स करूंगा तो वो जेसन का ऑब्जेक्ट आएगा टाइप स्क्रिप्ट में yes, exactly. उसको पास करके उसको एचटीएल में दिखाने का ये एल्गोरिथम हमारा रोड मैप रहेगा. यस एग्जैक्टली. तो क्या होगा ये एपीआई को कॉल करेगा सर उसको वहां दिखा दो इनको क्या रहेगा वो फ्लो. देखो कैसे होगा ये मेरा रेस्ट एपीआई से बराबर यहाँ पे आपका एंगुलर है. अब इसने क्या किया यहाँ पे स्क्रीन है एंगुलर में क्या है स्क्रीन है बटन रहेगी ये लॉगिन का स्क्रीन है यहाँ पे समझो ओके बटन. अब यहाँ पे क्या हो रहा है तुमने यूजर नेम डाला यहाँ पे तुमने पासवर्ड डाला ठीक है. अब ये दोनों चीजों को आपको जैसे ही ओके पे क्लिक हो गया मैं एपीआई कॉल करूंगा इसको ऑन क्लिक इवेंट पे. यस इसके ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल होगा. यस ये फंक्शन कॉल होगा जो भी है ये जाएगा रेस्ट कंट्रोलर. तो ये फंक्शन कॉल होगा वो फंक्शन उसको कॉल करेगा यस एपीआई को कॉल करेगा यूजिंग यूआरएल आप जो यूआरएल उसको प्रोवाइड करोगे तो ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल होगा जावास्क्रिप्ट का. हाँ. और वो फंक्शन के अंदर हम लोग एपीआई को कॉल कर रहे हैं कोड लिखना है. यस उसके अंदर क्या रहेगा हमारा जो भी यूजर नेम पासवर्ड यूजर से लिया हुआ है वो हम उसको भेजेंगे जो ब्राउजर को भेज रहे थे अब इसने क्या किया इसको रिस्पॉन्स दिया अब रिस्पॉन्स कैसा आएगा जेसन ऑब्जेक्ट आएगा लॉग इन स्टेटस आएगा जो भी है. ओके फिर उसके बाद में मैसेज आएगा जो भी. अब इसको मैसेज आया यहाँ इसको एंगुलर जेएस को मैसेज आया अब ये पास करेगा इसको तो अपन वो दिखा देंगे प्रॉम्प्ट पे मैसेज बॉक्स में. यस लॉगिन सक्सेसफुल लॉगिन. अब जैसे ही ये सक्सेस हो गया समझो इसने पार्स किया और चेक किया कि स्टेटस वन है और मैसेज इज ट्रू मतलब सक्सेस हो गया तो ये नेक्स्ट पेज पे लॉन्च करेगा एक मैसेज बॉक्स दिखा के. हाँ मैसेज लॉगिन सक्सेस क्या बोलते हैं हाँ जो भी अलर्ट है अलर्ट विंडो आएगा मैसेज बॉक्स आएगा और उसके में लॉग इन सक्सेस आएगा ओके पे क्लिक नेक्स्ट आपके स्क्रीन लॉन्च हो जाएगा. इज दिस क्लियर ना. तो ऐसे होगा अच्छा अब सेम चीज यही चीज यहाँ पे भी यूज करते हैं वो लोग मोबाइल एप्लीकेशंस में भी सेम चीज. वो क्या करते हैं डायरेक्टली एचटीटीपी रिक्वेस्ट इसको सेंड करेगा रेस्पॉन्स लेगा आपका अमेजोन ऐप अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सब क्या कर रहे हैं रेस्ट एपीआई से कॉल करेंगे अमेजोन को हिट कर रहा है वो सर्वर को वहां से डेटा ला रहा है और यहाँ पे आपको दिखा रहा है. कॉमन हो गया अब आपको डेटाबेस से यहाँ पे आपको डेटाबेस से डील करना ही है एपीआई डील करा डेटाबेस. हाँ ये एपीआई जो भी कर रहा है वो रेस्ट कंट्रोलर करेगा रेस्ट कंट्रोलर यहाँ पे आपको एसक्यूएल का एक भी कॉल नहीं आएगा. अगर आपको लॉगिन करना है उसको डेटा दो
यूजर नेम दो, पासवर्ड दो, वो करके आपको बता देगा कि लॉगिन सक्सेस है क्या फेल। ओके अब इसको देखो, जब लॉगिन सक्सेस होगा तो टोकन भी आएगा ना, तो टोकन ये अपने पास रख लेगा क्योंकि उसको हर एपीआई नेक्स्ट जो भी एपीआई रहेंगे नेक्स्ट एपीआई उसको पास करना है। सर जैसे अमेज़न का एक एपीआई है शो प्रोडक्ट डिटेल्स, हाँ राइट, फ्लिपकार्ट का एक है शो प्रोडक्ट डिटेल्स, महिंद्रा का है शो प्रोडक्ट डिटेल्स। अब मैंने एक सी बनाया वेबसाइट जिसे मुझे तीनों के डेटा को फेच करके कंपैरेटिव स्टडी बताना है, तो अगर जिसको मोबाइल खरीदना है अच्छा तो वो मेरे साइट पे आएगा नहीं, पहले देखो तो आप तीनों के एपीआई को कॉल कर लेंगे। अच्छा हाँ, लेकिन आपको एपीआई वो लोग ओपन नहीं कर रहे ना, आपको एपीआई नहीं देंगे। ट्रिवैगो जो करता है वो क्रैवलर है, बंद होटल्स के सर्च करता है, वो वेब क्रैवलर है। क्रैवलर का मतलब क्या है, वो क्रैवलिंग कैसा रहता है, मतलब कि वो रेंगते हैं इधर उधर सब चेक करता है, सारे एपीआई को हिट करके देखता है, वो सारे वेबसाइट ओपन करता है। वो देखो यादर को एपीआई नहीं है, वो क्या करता है, ओपन किया उसने समझो अमेजोन को, ओपन किया उसने इसको, आप अगर अमेजोन पे सर्च करोगे ब्राउजर में तो आपको ऊपर ना क्वेरी स्ट्रिंग मिलता है कि भाई मुझे अभी समझो मैंने सर्च किया शूज, तो वहां पे शूज का कैटेगरी वगैरह जाएगा। वो क्या करता है, क्रैवलर का मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड में होता रहता है, वो एचटीएमएल पेज मिलता है उसको, एचटीएमएल पेज से वो फेच करता है, पूरा रीड करता है, ऐसा है, एपीआई नहीं रहते उसके। वेब क्रॉलर बहुत सारे ऐसे था ना, आपने को इसमें वेब टेक्नोलॉजीज के अंदर यूडीडीआई था ना, लेकिन सारे के सारे डिपॉजिटरी रहती है वेबसाइट, लेकिन उसके लिए आपको एपीआई ओपन करना पड़ता है, मतलब उन्होंने एपीआई दिए तो ही आप एक्सेस कर सकते हो यूडीडीआई, अदरवाइज नहीं एक्सेस कर सकते। इसका एक एग्जांपल बता देते हैं, वो एटीएम का, अभी एचडीएफसी बैंक का एटीएम है, आईसीआईसी बैंक का एटीएम है, वो ओपन एपीआई से काफी शॉपिंग कर रहे हैं, काफी भी आप मनी विड्रॉ कर रहे हैं, तो कौन सा एटीएम में कौन सी एपीआई को हिट करके ड्रम मंगा रहा है। हाँ, लेकिन इसमें कैसा हो गया, ये लिंक है सब इंटरनल लिंक है, अब अमेजोन और फ्लिपकार्ट थोड़ी ना लिंक है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट का उनका खुद का अलग रिपोजिटरी है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड रिपोजिटरी होती तो आप कर सकते थे। और उसके ऊपर भी आपको उन्होंने एपीआई देनी चाहिए, ये देखो ये हमारा एपीआई है, ये हमारा एपीआई, तो वहाँ पर आरबीआई एक हेड है वो मॉनिटरिंग करता है, वो लिंक है, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। आप यहाँ पे अमेज़न तो अपोजिट है ना फ्लिपकार्ट के, कंपेटिटर है, तो फिर आप उसको नहीं कर सकते। अच्छा, इज दिस क्लियर, एनी डाउट? नो डाउट राइट। अच्छा, अब हम देखेंगे टाइपस्क्रिप्ट का एडवांटेजेस ओवर जावास्क्रिप्ट। अच्छा, जावास्क्रिप्ट आता है ना थोड़ा थोड़ा, क्या बताना? वही मतलब ऑन क्लिक इवेंट पे फंक्शन कॉल होता, फंक्शन के अंदर मतलब क्लास वगैरह कैसे बनता है, पता है वेयर कैसे होता है, लॉग करना है, वो सब कॉमन से। अच्छा, ये हो गया, अरे बीच में बात क्यों करते हो? What is TS and what is JS? ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा देखिए, अगर आप इसका वेन डायग्राम देखोगे तो ये TS है और ये JS है। ओके? क्योंकि TS जो है सुपर सेट है। एक्चुअली में अगर देखने जाओगे तो इसका ओरिजिनेटर कौन है? JS है। JS से TS बना हुआ है, लेकिन TS is it has more plugins and libraries and features and all. Okay? And this is object oriented. ये ऊप्स को फॉलो करता है और ये ऊप्स को फॉलो नहीं करता। ओके, नॉट ऊप, ये ऑब्जेक्ट बेस्ड है। ओके, तो याद रखना ये ऑब्जेक्ट बेस्ड है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है टीएस। ओके, नाउ विल कंपेयर कि क्या क्यों बनाया इन्होंने, कैसे किया, क्या किया। देख, द फर्स्ट थिंग इज इफ वी कंपेयर बाय डेवलपमेंट, मतलब अगर एज पर द डेवलपर्स इट इज वेरी इजी टू कोड। यहाँ पे मॉड्यूलरिज्म इजीली होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, सो इट इज मॉड्यूल्स आर ओके इजीली इंटीग्रेटेड, मतलब आप इसको कह सकते हो कि फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट आता है तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैं कोई भी मॉड्यूल इजीली निकाल सकता हूं, कोई भी मॉड्यूल इजीली ऐड कर सकता हूं। ओके, यस, इट इज लेस फ्लेक्सिबल।
अच्छा क्यों लेस फ्लेक्सिबल है? क्योंकि यहाँ पे रियूजेबिलिटी नहीं है, अगर इनहेरिटेंस नहीं है इसका मतलब रियूज नहीं कर सकते आप कोई कोड को, आपको फिर से लिखना ही पड़ेगा। इवन इफ आपने एक क्लास बना ली, अब आपको उसी क्लास का कुछ डेटा लग रहा है तो भी आप उसको क्या करोगे, फिर से बनाओगे, रियूज नहीं कर सकते। यहाँ पे रियूजेबिलिटी अलाउड नहीं है क्योंकि इनहेरिटेंस नहीं है, इसका मतलब है लेस फ्लेक्सिबल। ओके अच्छा ना? सर इंडस्ट्री में अगर आप एक कोड को कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं तो इज इट कंसीडर्ड एज बैड मैनर्स, यू आर नॉट फॉलोइंग प्रोग्रामिंग एटिकेट्स? इट इज नॉट लाइक दैट, मतलब कैसे होता है? उनको टास्क से मतलब आप काम करके देखो। नो 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 नो, पहला देखो याद रखो कि ये जो एक्सपेक्टेशन है ये एक से लेकर तीन साल के डेवलपर्स के लिए थी। काम करके दे भाई तू फंक्शनलिटी, हम कोड रिव्यू करेंगे, हम तुझे सजेशन देंगे अगर कुछ चेंज करना है तो। बट व्हेन इट कम्स टू मोर देन थ्री इयर्स, थ्री प्लस ईयर एक्सपीरियंस हो गया, नाउ दे विल फोकस ऑन मॉड्यूलरिज्म। अब तू डबल कोड लिख रहा है क्या, या फिर तू कुछ ऐसा कर रहा है कि जो कोड रिपीटेडली तू यूज कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब रिपीटेडली कर रहे तो फंक्शन बना ऐसे, अगर इनकेस अज्यूम करो कि तुम एक आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हो, बहुत सारे आर्किटेक्चर्स होते हैं, एमवीसी होता है, एमवीवीएम होता है, एमवीपी होता है, ये अलग अलग आर्किटेक्चर्स है, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो इसका मतलब यू आर ब्रेकिंग समथिंग। अच्छा अब एक क्वेश्चन ये भी है कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई जब प्रोग्राम चल रहा है तो फिर इसकी क्या जरूरत है मॉड्यूलरिज्म की? अच्छा इसमें बहुत डिफरेंस आता है, कैसे होता है, अज्यूम कि मैंने एक प्रोजेक्ट बना दिया, अब मैंने क्या किया सब इधर उधर कोड लिखा। अब डेटाबेस का ही मैं एग्जांपल देता हूँ, डेटाबेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अभी पीएचपी में डीबी कनेक्शन या फिर config.php बनाते हैं जिसमें डेटाबेस का सारा ये रखते हैं। अब पहले कोडिंग कैसे करते हैं, स्टूडेंट कोडिंग कैसे करता है, हर फाइल में mysql_connect.select_db किया उसने, हर फाइल में करता है वो। अब किसी क्लाइंट ने बोल दिया अरे मैं डेटाबेस चेंज कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू माइग्रेट, अब उसका माइग्रेट हो गया, अब क्या करोगे, समझो 1000 फाइल है तो सारे फाइल में जाओगे, सारा पूरा जो भी यूआरएल है वो चेंज करोगे, यूजर नेम चेंज करोगे, पासवर्ड चेंज करोगे, डीबी चेंज करोगे, इतना सब, मतलब के आपको आगे का जो ओवरलोड है एक्सपेंशन जो आप जो स्केलिंग होगा तो वो बचाने के लिए आपको एक आर्किटेक्चर फॉलो कर। नाउ व्हाई देयर इज कंट्रोलर, व्हाई देयर इज मॉडल, व्हाई देयर इज व्यू, क्यों है, क्योंकि व्यू शुड कम्युनिकेट विद ओनली मॉडल, व्यू जो है मॉडल के साथ कम्युनिकेट करेगा और व्यू कंट्रोलर के साथ लिंक्ड रहेगा। देखो कैसा रहता है, कंट्रोलर को अगर डेटा देना है तो मॉडल में देगा और अगर कंट्रोलर को व्यू से डेटा लेना है तो मॉडल में ही लेगा। अगर प्लेन लेने लगा तो कल को अगर एक फील्ड चेंज हो गया तब क्या करोगे? तो आपने इसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर कौन है, सभी टाइप स्क्रिप्ट है, REST API है। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो REST है ये अलग समझ लो, यहाँ पे क्या होगा जो UI रहेगा, UI हमारा जो UI रहेगा वो व्यू है हमारा, वो व्यू है, और जो हमारा जो TS रहेगा TypeScript वो हमारा कंट्रोलर रहेगा। ओके तो हमारा क्या हो गया, कंट्रोलर हो गया, और जो मॉडल रहेगा वो जो डेटा आ रहा है, वो जो डेटा आ रहा है हमारा जो JSON में आ रहा है वो हमारा मॉडल है, जो JSON ऑब्जेक्ट है मॉडल, हाँ मॉडल है। ओके यस, तो अब क्या होगा, कंट्रोलर बात करेगा सर्विस से, मतलब हमारे REST कंट्रोलर से, इसका जो TS है, इसका जो TS है वो बात करेगा हमारे REST से, REST डेटा लेगा और डेटा देगा व्यू को, मतलब हमारे स्क्रीन्स को, तो डेटा आएगा वो मॉडल है, हाँ वो मॉडल है, वो स्क्रीन्स को देगा, तो रिस्पांस ऑब्जेक्टिव मॉडल है, यस एग्जैक्टली। अब यही चीज अगर मैं TS में नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली स्क्रीन पे ही HTML में भी तुम ये REST API को कॉल कर सकते हैं, अलाउड है। HTML में भी अगर तुम href देते हो ना तो URL को हिट कर सकते हैं आप, अगर तुम वैसे करने लगे तो फिर आपने ब्रेक किया ना, आपने पूरे लिंक को ही ब्रेक कर दिया। आप क्या कर रहे हो, जब आपको बोला गया है कि भाई TS को ही अलाउ करो कंट्रोलर से बात करने के लिए, आप HTML को भी अलाउ कर रहे हो, इसका मतलब आपने क्या किया, नेक्स्ट टाइम अगर समझो उन्होंने बोला कि URL चेंज हो गया, अब जहां पे भी आपने URL यूज किया है ना वहां पे जाना पड़ेगा, हार्ड कोडिंग हो गई। लेकिन अगर मैं वो TS में करता हूँ तो मेरी एक ही TS फाइल रहेगी जो कम्युनिकेट कर रही है उसके साथ, तो मैं एक ही फाइल में आके चेंज करूंगा। सो दिस इज व्हाट वी कैन से द प्रिंसिपल, इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके बुक आती है, PPL सुना रहेगा तुम्हें, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके तो उसको फॉलो कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने डिजाइन पैटर्न क्यों पढ़ाया, फिर क्या यूज है उसका, डिजाइन पैटर्न का भी यूज वही है ना, आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे। If I want, for example, अगर मुझे employees के object चाहिए, उसके अलग अलग type है, तो मैं उसका factory बनाऊंगा।
एम्प्लॉय में अलग अलग है, समझो मैनेजर है, सीईओ है, और कोई भी फैक्ट्री से हम टाइप पास करेंगे, स्ट्रिंग पास करेंगे, वी विल पास दी स्ट्रिंग एंड वी विल गेट दी ऑब्जेक्ट देगा। अदरवाइज तुम क्या करोगे, हर जगह न्यू करते बैठोगे, हाँ मैनेजर बनाना है, अरे ईएमपी इज इक्वल टू न्यू मैनेजर, ईएमपी सीईओ इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ऐसे करते बैठोगे आप सीईओ। तो इसके लिए ये सब आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर इज दिस क्लियर ना? ओके, सॉरी आर्किटेक्ट राजेश है। अच्छा देखिए, सो टी एस ये फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू जे एस। ओके, अच्छा सुपर सेट का तो आपको पता ही है, टी एस हमारा सुपर सेट है। नाजिश पूछे ज्यादा पैकेज किसमें? अभी अभी तो एंगुलर 9 ही चल रहा है, एंगुलर 1 बंद हो गया, कोई नहीं, ज्यादा पैकेज टी एस में या जे एस में? टी एस, टी एस में, वो पहला पार्ट वाइज जितना वो पैकेज बढ़ेगा हमारी पार्टी बढ़ेगी। वो भी है फर्स्ट सैलरी का 1% है, भले 5% क्यों ना, दोनों तय कर देंगे। 40,000 का कितना, 5%, 400 रुपए तो 1% हो गया, 2,000 रुपए हो गया, ठीक है ना? वाजिब वाजिब, वो भी कुछ अपन भी कुछ इज दिस क्लियर। अच्छा ये तो बताइए आपको कि ये ऊप्स है और इट इज नॉट ऊप्स, ये ऑब्जेक्ट बेस्ड है, नो ऊप्स, सो इट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड। सर इसमें थोड़ा बहुत तो ऊप्स है, मतलब इसमें ओवरलोडिंग होगा, सब है इसमें, सब है ओ, इसमें सब है, लेकिन इतना नहीं कि इनहेरिटेंस नहीं, इनहेरिटेंस नहीं मतलब रीयूजेबिलिटी नहीं, और रीयूजेबिलिटी नहीं मतलब आपको हर चीज बार बार लिखना है, उसे वो बेस से ऊप्स में नहीं, यस बेस से ऊप्स मिला है। अच्छा देखिए, नाउ एवरी टीएस इज कन्वर्टेड इनटू जेएस इंटरनल। ओके, तो टीएस जो है जेएसपी इज कन्वर्टेड टू सर्वलेट, सर्वलेट, वैसे यहाँ पे टीएस जो है पहले जेएस में कन्वर्ट होगा कंपाइल होने के बाद। देखो टीएस कंपाइल होता है, जेएस कंपाइल नहीं होता, जेएस इंटरप्रेट होता है, जेएस डायरेक्टली ब्राउजर में लोड होता है ना, आप हेडर में डालते हो और लोड हो जाता है, सो इट इट गेट्स कंपाइल्ड, हाँ यस, और वो जीएस में कन्वर्ट हो जाता है कंपाइल होने के बाद, और यहाँ पे ये इंटरप्रेट होता है, इंटरप्रेट डायरेक्टली लोड होता है, आपको कंपाइल करने का जरूरत नहीं है जीएस। अच्छा तो अभी इससे तो समझ में आ रहेगा कि ये थोड़ा स्लो है वो फास्ट। ओके, सो इफ वी सी परफॉर्मेंस वाइज इट इज स्लोअर, स्लोअर देन दी जीएस। ओके, तो ये स्लोअर है, एंड इफ वी सी दिस इट इज फास्टर। ओके, इज दिस क्लियर? तो इट इज स्लोअर देन दी जेएस, इट इज फास्टर। ओके, व्हाई इट इज फास्टर, क्योंकि इंटरनली आपका जो टीएस है वो जीएस में कन्वर्ट हो रहा है। कपलिंग के बारे में सुना है? कपल्ड सिस्टम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा टाइट कपलिंग और लूज कपल में चेंज करते हैं, इसको कपल को अलग लगा सिस्टम सुना है, कपल सिस्टम सुना है, कपलिंग बोला मैंने, कपलिंग आपको उस दिन आंसर क्या, वही आंसर क्या, कपल्ड। टी ब्रेक ले, पॉज कर दो इसको, पॉज पॉज का ऑप्शन नहीं है मैम। अच्छा इज दिस क्लियर, ये कोई डाउट नहीं है इसमें? अच्छा देखो, तो ये स्लोअर देन दी जेएस एंड इट इज फास्टर। ओके, अच्छा लेकिन एज पर दी डेवलपमेंट ये बहुत इजी है और मॉड्यूल मॉड्यूल डे, इसलिए इसको ज्यादा फॉलो करते और इसको कम करते, लेकिन फास्टर में कौन है, जेएस फास्टर एज कम्पेयर टू यूर विंडोज का मतलब विंडोज दिन सब कुछ नहीं, OS dependent नहीं, नहीं नहीं OS dependent back, back पे चलेगा, yes, सब पे चलेगा, लेकिन ब्राउजर डिपेंडेंट है। अच्छा वैसे तो जावास्क्रिप्ट भी ब्राउजर डिपेंडेंट है, उसके भी इश्यूज आते हैं कभी कभी, ब्राउजर नॉट रेस्पॉन्डिंग आता है, पता है ना ब्राउजर वेट आता है, देखो मतलब क्या आता है विंडोज में क्या आता है पता नहीं मुझे, अनएबल टू प्रोसेस JS आता है, वो हैंग हो जाता है उधर ही, तो ब्राउजर डिपेंडेंट हो जाता है।
ओके, लेकिन ओएस इंडिपेंडेंट है, ब्राउजर डिपेंडेंट, ओके, स्लोअर देन द जेएस एंड फास्टर। अच्छा देखिए यहाँ पे लूजली कपल्ड होता है, ओके, और ये टाइटली कपल्ड। तो आपका जो ये है टीएस वो लूजली कपल्ड है, ओके, तो मतलब कभी भी आप मॉड्यूल को इजीली निकाल सकते हो विदाउट चेंजिंग अदर मॉड्यूल। बट जब जावास्क्रिप्ट पे एक फाइल को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिंक जितने भी फाइल्स रहेंगे सब चेंज होंगे, ओके। जैसे कि आपको होवर ऐड करना है, होवर, होवर पता है वो माउस लेने के जाने के बाद टिप देता है, देखो माउस लेके गया तो या फिर समथिंग टिप देता है वो समथिंग, तो जो होवर होता है अगर उसको हैंडल करना है तो जावास्क्रिप्ट में 7 फाइल्स चेंज होते हैं टोटल, 7 फाइल्स, लेकिन अगर वो टीएस में करना है तो एक ही फाइल चेंज होती, ओके, सो लूजली कपल्ड, तो ये टाइटली कपल्ड, ओके। अच्छा तो ये हमारे फीचर्स है टीएस के और जेएस के, डिफरेंसेस ये। अच्छा अब हम देखते हैं डेटा टाइप्स क्या क्या है, टीएस में क्या क्या सपोर्ट है, इतना ही डिफरेंस अब कोई भी चीज जब ड्रॉ होती, देखो पेंट करते आप, पेंटिंग करते मतलब आप पेंट ओपन करते ना विंडोज में, वो जो व्हाइट दिखता ना व्हाइट वो कैनवास उसके ऊपर तुम ड्रॉ कर, मतलब बीबीसी का फॉर्म था, फॉर्म देता क्या, देखो जावा का भी जो जे फ्रेम आता ना जे फ्रेम उसके पीछे कैनवास ही रहता, तुम कैनवास पे ड्रॉ कर एवरीथिंग, जो भी ड्रॉ होने वाली चीज है ना वो कैनवास पे ड्रॉ, अब उसको नाम चेंज करके रेंडरर बोलते हैं, रेंडरर, ओके, मतलब रेंडर करना, रेंडर मतलब कि ड्रॉ करना, रेंडर, ओके। अच्छा सो देखिए कि आपके टीएस में कितने डेटा टाइप्स हैं और कैसे यूज होते हैं, तो इसको डिक्लेयर करके रन करके इको करके उसके लिए वीएस कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा, वीएस कोड, ठीक है, और नोड जेएस है, नहीं वो सब नोड इंस्टॉल, वीएस कोड है, नोड इंस्टॉल करके नोड, उस नोड से कंपाइल होता है टीएससी, देखो हाँ। अब देखो इसको रन कैसे करना है, पहले दिखाता हूँ, समझो दिस इज माय फाइल ए डॉट टीएस, इसको कंपाइल कैसे करना है, टीएससी ए डॉट टीएस, जब इसको कंपाइल करोगे तो जनरेट होगा ए डॉट जेएस, ठीक है। अब इसको तुम लोड करो या फिर इसको रन करो, रन करने के लिए नोड यूज करने का, नोड ए डॉट जे एस, नोड जे एस है क्या, नोड मतलब नोड इज इंटरप्रेटर, नोड एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, टी एस सी ए डॉट टी एस जब करोगे तो ए डॉट जे एस जनरेट होगा, और ए डॉट जे एस बाइट कोड क्या, हाँ नहीं ये भी आप बोल सकते हो कि इंटरप्रेट होने वाला कोड है, तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है वो, हाँ ये ह्यूमन रीडेबल, ये जावास्क्रिप्ट है, राइट क्लिक करेगा तो खुलेगा, हाँ खुलेगा, और आप देख भी सकते हो, एडिट भी कर सकते, एडिट भी कर सकते, एंड देन नोड ए डॉट जे एस, डायरेक्टली अगर मैं सेव कर दूं उसको ए डॉट जे एस को भी कर लूं, फिर इसका कोड मिक्स होगा ना, देखो ये जावास्क्रिप्ट है, ये जावास्क्रिप्ट फाइल जनरेट हो रही है, यू कांट एग्जीक्यूट दी टी एस फाइल, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में, तो आपने ये कन्वर्ट किया, इट कंपाइलेशन मतलब कन्वर्ट किया, आप उसको रन कर रहे हैं, ओके। अच्छा देखिए इसके क्या क्या टाइप से कैसे होता है, अच्छा यहाँ पे टाइप चेकिंग होती है, मतलब देखो जावास्क्रिप्ट में जब तक के वो वेरिएबल से एनकाउंटर नहीं करता, जब तक प्रोग्राम काउंटर वहां पे नहीं आता तब तक उसको टाइप नहीं पता रहती, इसको जावास्क्रिप्ट को, लेकिन यहाँ पे टाइप पता रहती क्योंकि जावास्क्रिप्ट में टाइप नहीं रहता, नहीं सी में भी टाइप है ना, मतलब टी एस इज लाइक सी, हाँ टी एस इज लाइक सी, मतलब कि आपको उसको पहले टाइप पता रहता है, अब जैसे कि मैंने लिखा समझो वेयर, देखो जावास्क्रिप्ट का दिखा था मैं, वेयर मैसेज इज इक्वल टू टेस्ट, जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी जावास्क्रिप्ट को पता ही नहीं है कि वो क्या है मैसेज, जावास्क्रिप्ट को पता ही नहीं है कि ये मैसेज क्या है, जब वो एंकाउंटर ऊपर डिक्लेयर किया होगा वेयर मैसेज, ये अपने जो लिखे ये लिखे हुए लाइन 100 पे और लाइन 1 पे उसने लिखा है वेयर मैसेज, पता नहीं जब तक वैल्यू असाइन नहीं होंगी तब तक उसको पता नहीं चलेगा, ओके। अब जैसे कि मैंने लिखा वेयर नम इज इक्वल टू 10, जब तक वो देखेगा नहीं कि राइट हैंड साइड असाइनमेंट वैल्यू क्या है तब तक वो बोलेगा नहीं कि ये इंटीजर है, ऐसे होता है, ठीक
ठीक है, इज दिस क्लियर? अगर मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दिया वेयर नम तो भी उसको नहीं पता चले, जब एनकाउंटर होगा, जब लाइन एनकाउंटर होगा तभी उसको पता चले। ये होगा जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट। लेकिन टीएस में क्या होता है, पहले टाइप दे सकते ओके इंट इंट नम। अब ये देखो, ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी देता है कौन, टीएस। टीएस में जावास्क्रिप्ट का कोड भी चलता है, जैसे सी प्लस प्लस में सी का कोड चलता है, वैसे सी प्लस प्लस में ये प्रिंट एफ भी कर सकते, तो वैसे ही टीएस में जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते। लेकिन जावास्क्रिप्ट में टीएस का कोड नहीं चलता, ओके? तो टीएस इज बैकवर्ड कंपैटिबल, ओके? ये क्लियर है, लिख लिया आपने? टीएस में जेएस लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन जेएस में टीएस नहीं लिख सकते। एवरी ऑड नंबर इज प्राइम, एवरी प्राइम नंबर इज ऑड, प्राइम नंबर इज ऑड, बट एवरी ऑड नंबर इज नॉट प्राइम। तो रिकॉग्नाइज एवरी जेएस कोड इन टीएस, पर टीएस का कोड जेएस में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। देखो अब इसमें टाइप्स क्या क्या, सबसे पहला इसका टाइप है एनी, एनी एनी का मतलब पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, इट इज लाइक अ वॉइड पॉइंटर, कुछ भी हो सकता है, तुम कुछ भी डालो एनी में, तुम स्ट्रिंग डालो, ऑब्जेक्ट डालो, सेंसिटिव है, यस इट इज केस सेंसिटिव, कैपिटल ए, कैपिटल, इट्स अ क्लास, एनी इज अ क्लास। ओके, तो डेटा टाइप पहले या वेरिएबल पहले? यहां पे पहले वेरिएबल आता, देखो इसका कैसा डिक्लेरेशन होता है, समझो, वेयर नम कोलन एनी, वेयर भी आना चाहिए, वेयर तो आना ही चाहिए, वेरिएबल है ना, तो मालूम करने के लिए कि वेरिएबल है, यस वेरिएबल, वेयर नम कोलन एनी। अब इसका टाइप मुझे पता नहीं, जब मैं वैल्यू दूंगा वो खुद ब खुद अज्यूम कर लेगा। अब ये नम में क्या क्या जाएगा पता है क्या, स्ट्रिंग भी जा सकता है, नम में ऑब्जेक्ट भी जा सकता है, नम में कैरेक्टर भी जा सकता है, नम में नंबर भी जा सकता है, नम में कुछ भी जा सकता है, क्योंकि एनी मतलब कुछ भी होल्ड करने को रेडी हो। ओके, सो सबसे पहला टाइप वॉइड कैन होल्ड एनीथिंग, या वॉइड कैन होल्ड एनीथिंग, इज इट, कैन वी डिक्लेयर, लाइक हाउ वी डिक्लेयर इंटीजर ए, कैन वी डिक्लेयर वॉइड ए, या वॉइड ए आपने ऐसे डिक्लेयर कर दिया, अब ए इज इक्वल टू 10 करोगे, ठीक है, तो इसको कास्ट कर देने का इंटीजर को, टाइप हो गया, टाइप कास्टिंग, कास्ट करना पड़ेगा। वाइड मतलब कुछ भी होल्ड कर ले, और वाइड पॉइंटर किसको भी पॉइंट कर ले, रिटर्न करने की बात अलग हुई, होल्डिंग अलग हुई, वॉइड का मतलब टाइप, तो रिटर्न टाइप, फंक्शन का रिटर्न टाइप, वॉइड मतलब नथिंग, हाँ वॉइड का मतलब क्या, नथिंग, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, वॉइड का मतलब एनी टाइप, वॉइड का मतलब तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो। अब समझो मैंने ऐसे किया सी में वॉइड स्टार ए, अब ये ए इज इक्वल टू पॉइंटर, हाँ ये ए इज इक्वल टू बी कर सकता है, यस एनीथिंग, इंटीजर को पॉइंट कर सकता है, कैरेक्टर को किसको भी पॉइंट कर सकता है, लेकिन अगर इंटीजर स्टार किया तो फिर वो इंटीजर को ही पॉइंट करेगा। ओके, व्हाट वर्ड किसको पढ़ो, यस व्हाट किसको, वो था ना पानी रे पानी का रंग कैसा, हां जिसमें मिला उस जैसा, तो एनी इज लाइक अ वॉइड, एनी मतलब वॉइड हो गया, ओके एनी वॉइड, तो जैसे जिस भी डाले उसमें, यस। सो यहां पे क्या लिखोगे, इट कैन होल्ड, इट कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ वैल्यू, और इसमें कुछ साइज का मसला नहीं है, नो 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 नथिंग नथिंग नथिंग, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इंटीजर इज टू बाइट, यहाँ पे इंटीजर नहीं होता, यहाँ पे नंबर होता है, तो साइज भी इसका कुछ लफड़ा नहीं है, नंबर में फ्लोट डालो डबल डालो क्या करना है, राइट नंबर, यस इट कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ वैल्यू। अच्छा, तो डिक्लेरेशन कैसा होता है, पहले वेयर ओके नम कोलन एनी, ओके, तो यहाँ पे पहले वेरिएबल का नाम आता है फिर टाइप आता है। अच्छा, नेक्स्ट इज स्ट्रिंग S capital. उसके आगे भी कोलन है, ठीक है, ये सेमी कोलन, सेमी कोलन। अच्छा, नेक्स्ट इज स्ट्रिंग, सो इट कैन होल्ड स्ट्रिंग वैल्यूज, कैसे डिक्लेरेशन है, वेयर सपोज नेम इज नेम कोलन स्ट्रिंग इज इक्वल टू, आपको कुछ डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर करना है, असाइन करना है, मतलब पिछले लैंग्वेज ने सारे सिंटैक्स ले लिए तो बचे कुछ ये लोग कुछ भी फिर कुछ भी देने लगे, चलो डॉलर पीएचपी ने डॉलर ले लिया, इसने क्या ले लिया, यू नो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेरिएबल नेम फर्स्ट एंड देन टाइप, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेरिएबल नेम फर्स्ट एंड देन टाइप। अभी देखो मैं सी में ऐसे लिखता हूँ ना इंटीजर ए, अब मैं अगर ऐसे लिखता हूँ वेयर ए नंबर, तो दोनों में कौन सा एडवांटेज है, ये क्या है सेकंड वाला, लेकिन लेकिन क्यों, क्या रीजन रहता है। अच्छा, इसका एक बेसिक कंसेप्ट है सिंबल टेबल, सिंबल टेबल,
ओके सिंबल टेबल होता है उसमें एक फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम होता है और एक बैकवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम होता है। सिंबल टेबल में साइज स्टोर करते हैं, क्या होता है सिंबल टेबल में सिंबल नेम उसका एड्रेस होता है, उसका लेंथ होता है, डिफाइंड है या नहीं होता है, उसके बाद में वैल्यू होती है डिफॉल्ट। ओके तो अगर पहले वेरिएबल नेम आया ना तो सिंबल टेबल पहले ही बन गया, मतलब सेकंड पास में दो पास होते। देखो हर कंपाइलर फेजेस में वर्क होता है, उसके अलग अलग फेज रहते हैं, पहले एनालिसिस सिंथेसिस होता, फिर एनालिसिस सिंथेसिस होता, फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन होता, फिर कोड जनरेशन होता, फिर ऑप्टिमाइजेशन होता, फिर आपका टारगेट कोड जनरेशन होता। तो जो कोड जनरेशन बीच का रहता है उसको इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो उस वक्त इसको पहले ही नंबर मिल जाता सिंबल, तो मतलब उसको पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले के फेजेस को उसको रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो आगे ही बढ़ेगा। इट इज लाइक मतलब लाइक अ वाटरफॉल मॉडल, कि मतलब आप नीचे आ सकते हो डायरेक्ट। लेकिन अगर इन केस में पहले टाइप लिखता हूं और बाद में ये, तो पहले टाइप स्टोर होगा, टाइप के लिए अलग नेम स्पेस रहता है और वेरिएबल के लिए अलग नेम स्पेस रहता। तो एक बार ना नेम स्पेसेस थोड़ा पढ़ो अच्छे से, स्टैंडर्ड टेम्पलेट ये हो डिक्शनरी या फिर डायरेक्ट आप बोल सकते हो। सी प्लस प्लस, हाँ सी प्लस प्लस, जावा में भी नेम स्पेस रहता है, नेम स्पेस है। पैकेज होल्ड्स दी क्लासेस, मतलब पैकेज इज नथिंग बट के आप बोल सकते हैं कि भाई ये मेरा यहाँ पे ये एडिशन की क्लास है, मैथ्स की क्लास है, ऐसा। नेम स्पेस क्या करता है, सेपरेट करता दोनों। अब समझो एक मेरी क्लास है एड नाम की, मेरी सेम प्रोजेक्ट में एक और एड नाम की क्लास है। ओके ये समझो कुछ तो लॉजिकल ऑपरेशन कर रही है और ये मेरी मैथमेटिकल अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रही है। अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा मैं, किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, दो अलग अलग पैकेज में, और फिर पैकेज इंपोर्ट मैं अगर सेम पैकेज में रखूंगा तो सेम पैकेज तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, सेम क्लास नहीं बना सकते। तो आप उसको नेम स्पेस दे दो, तो नेम मतलब पैकेज हो गया ना। नहीं 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 पैकेज अलग हो गया ना, पैकेज मतलब आप डायरेक्टरी चेंज कर रहे हैं ना। मैं एक ही डायरेक्टरी की बात कर रहा हूँ, एक ही डायरेक्टरी में अगर आप नेम स्पेस देते हो तो आपका वो क्लास सेपरेट हो गया, तो जब वो कंपाइल करेगा तो नेम स्पेस अलग नेम स्पेस में डालेगा। मतलब इट्स अ लॉजिकल थिंग, फिजिकली दिखेगा नहीं लेकिन लॉजिकल थिंग है। तो आप उसके लिए जावा में क्या होता है, नेम स्पेस नाम का कीवर्ड होता है डिक्लेयर करने के। ओके तो दो क्लास सेम नाम के सेम पैकेज हो सकते हैं, हो सकते लेकिन अलग नेम स्पेस। तो जैसे कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट आपके मेथड एंड कंस्ट्रक्टर अलग नेम स्पेस में, इसलिए क्लास का नाम और मेथड का नाम भी सेम हो सकता है। यस होता ही होता ही, कंस्ट्रक्टर नहीं मेथड की बात कर रहा हूँ, मेथड का नाम भी और क्लास का नाम भी सेम हो सकता है। ओके तो कहना राइट पब्लिक वॉइड क्लास एप्पल, हाँ लिख सकते पब्लिक एप्पल तो कंस्ट्रक्टर हो गया, हाँ यस पब्लिक वॉइड, हाँ तो वो भी चलता है, चलता है। वो दोनों अलग जगह हो गए क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नेम स्पेस अलग हो गया और मेथड्स का नेम स्पेस अलग हो गया, वेरिएबल्स का नेम स्पेस अलग हो गया। तो कैन आई डिक्लेयर इंटीजर एप्पल आल्सो, यस यू कैन डिक्लेयर इंटीजर सेम फॉन्ट विद द क्लास नेम, एग्जैक्टली। तो क्लास का नाम कैपिटल ए से, तो हाँ ये कैपिटल ए से एप्पल चल जाता है, चल जाता है। तो कंस्ट्रक्टर अलग नेम स्पेस में, फंक्शन अलग नेम स्पेस में, वेरिएबल्स अलग नेम स्पेस में, इंटरनली सेपरेट कर देते हैं। तो अभी आप तो ऑब्जेक्ट बनाए भी रहेंगे ना, ऐसा बी बी इज इक्वल टू न्यू बी, बी छोटा बी बना देंगे। अच्छा तुम लोग छोटा बनाए, अलग होता है सबका नेम स्पेस अलग होता है, तो वैसे ही ये नेम स्पेस होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है कि पहले ही हमें सिंबल मिल गए तो मतलब मुझे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। टाइप तो मैं कभी भी चेक कर लूंगा, जब वैल्यू असाइन होगी वो तो रन टाइम पे हो रही ना, वैल्यू इनिशियलाइजेशन रन टाइम पे हो रही, वो तो मुझे पता ही चल जाएगी। तो मतलब मेरा सिंबल टेबल पहले ही रेडी, सो इट इज ये जो डिक्लेरेशन है इससे टाइम बच जाता है, एक फेज का दो फेज पीछे जाने का बच जाता है। तो ये अभी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं गूगल की कॉटलिन लैंग्वेज, वो सेम है सेम, टाइप स्क्रिप्ट एंड कॉटलिन आर 90% सेम। आप अगर अभी ये पढ़ लोगे ना टीएस, इसके बाद में क्या करो, ये देखो आपका कॉटलिन सेम है सेम, नो डिफरेंस एट ऑल। मतलब ये अपना हो जाएगा ब्राउजर के लिए और वो हो जाएगा एंड्रॉइड के लिए। ओके ऐसे हो सेम है सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नो डिफरेंस, 10% सिर्फ डिफरेंस है कि वहां पे जावा भी इंटीग्रेट होता है, यहाँ पे जावा नहीं होता, इतना फर्क। हमारे मैम बोलेंगे सेम डिफरेंस, नो डिफरेंस। ओके ओनली वन डिफरेंस के आपका 10% डिफरेंस वो सिर्फ जावा का है, अदरवाइज बाकी कुछ नहीं। ओके इज दिस क्लियर, तो ये स्ट्रिंग है आप, तो टाइप एनी और स्ट्रिंग हो गया, हां एनी और स्ट्रिंग हो गया। अब नेक्स्ट है नंबर, लेकिन इसको स्मॉल लिखते हैं,
जिनको ब्लिंक करना शुरू कर दिया उसको ओके नंबर बंद कर दे वरना ये भी तरेटा भी जाएगा क्योंकि वो खुद से बंद होता ना ऑटोमेटिक होता सेम पर वो रिस्क लेने का ना रिस्क नहीं लेने का एक काम करेंगे ये बंद करके फिर थर्ड चालू करेंगे।